श्योपुर में आज गौरव दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा सम्मिलित हुए। प्रभारी मंत्री ने श्योपुर में हो रहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सम्मेलन में सम्मिलित होकर नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सम्मेलन 29 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी गई राशि 11,000 रुपए का नगद यहां पर चेक और 38,000 रुपए के उपहार स्वरूप प्रत्येक जोड़ों को प्रदान किए गए। इसके बाद प्रभारी मंत्री गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। भगवान शिव की शोभा यात्रा टोडी गणेश जी से पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुई और मुख्य मार्ग से होते हुए श्री हजारेश्वर महादेव पर जाकर पूर्ण हुई। उसके बाद प्रभारी मंत्री कलेक्टर शिवम वर्मा, शहर के वरिष्ठ नेता व शहर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके बाद श्योपुर जिला बनाने में जो लोग शहीद हुए उनको सम्मानित किया। जिला बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा उनको भी सम्मानित किया। जिले में युवा पीढ़ी के पढ़ाई के स्तर पर जिले का जिन युवा पीढ़ियों ने नाम रोशन किया उनका भी प्रभारी मंत्री के द्वारा सम्मान किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गौरव दिवस को लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। सर, ये गौरव दिवस का आयोजन किया गया, 3 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम हुए, सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ, किस तरह से ये आयोजन हुआ सर, क्या इसकी मंशा थी, क्या उद्देश्य था इसका? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी मंशानुसार गौरव दिवस का आयोजन हर जिले में किया जा रहा है और हमारे ज़िले श्योपुर में भी बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। इस गौरव दिवस पे जो मंशा है वो यही है कि हमारे ज़िलेवासियों की सबकी भागीदारिता रहे और सभी लोग अपने जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है उसको हम लोग याद कर सकें और जो हमने जो विकास किया, जो हमने रास्ता चुना है उस पर हम लोग अपना उसको याद कर सकें और अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ के अपने को गौरवान्वित कर सकें, इसके लिए पूरा कार्यक्रम रखा गया है और हमारे ज़िले श्योपुर में भी इसके लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा आज जो मुख्य कार्यक्रम जो अभी चालू भी हो रहा है, चल रहा है, वो किया जा रहा है और माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के उद्बोधन भी हमने सुने अभी और थोड़ी देर में यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर एक रामायण का नाटक भी मंचित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में ये भी हमने किया है कि जितनी भी हमारे श्योपुर की जो विभूतियाँ हैं जिन्होंने श्योपुर का गौरव और सम्मान बढ़ाया है उनको भी हमने यहाँ बुलाया है। हमारे कई जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिवार से भी लोग आए हुए हैं, जो कई विभूतियाँ हमारे श्योपुर की जो अन्य प्रदेश अन्य जिलों में भी उत्कृष्ट कार्य करके हमारे ज़िले का गौरव बढ़ा रहे हैं उनको भी हमने बुला कर उनका सम्मान किया है। तो हमारा यही प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा और निर्देशानुसार हम जो गौरव दिवस उसको पूरे उल्लास के साथ मनाएं और इसी प्रकार अपने गौरवशाली अतीत को याद भी कर सकें। जय हिंद। सर, क्या है कि कार्यक्रम आपने पूरा प्लानिंग किया, मंत्री जी का हम बैठ करते तो वो